और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज वर्ष 1869 में थॉमस एल्वा एडिसन को इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर का पेटेंट मिला था। बाद में यही आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम का आधार बना। वर्ष 1968 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखिका और एक्टिविस्ट हेलेन केलर का निधन हुआ था। हेलेन केलर ने दुनिया भर की महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने और मजदूरी से संबंधित उनके हक के लिए संघर्ष किया था। हेलेन केलर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने वाली दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। वर्ष 1831 में आज ही के दिन ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने धरती के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यानी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की खोज की थी। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वो पॉइंट है जहां से धरती का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जाता है। हालांकि धरती के चुंबकीय बदलावों के अनुसार नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का स्थान बदलता रहता है। और आज वर्ल्ड मिल्क डे है और इस मौके पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत पिछले 20 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अक्सर भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती हैं। दुनिया में दूध उत्पादन के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि भी होती है। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि आज वर्ल्ड मिल्क डे पर देश के कई राज्यों में दूध को सड़कों पर बर्बाद भी किया गया क्योंकि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और वर्ष 2001 में आज ही के दिन नेपाल के राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये हत्याएं इसी परिवार के राजकुमार दीपेंद्र ने की थी। राजकुमार दीपेंद्र ने अपने माता पिता सहित 9 लोगों को गोली मारकर आखिर में खुद को गोली मार ली थी। गोली लगने के 3 दिन बाद राजकुमार दीपेंद्र की भी मौत हो गई थी। इस पूरे हत्याकांड की वजह यह थी कि राजकुमार दीपेंद्र अपनी पसंद से विवाह करना चाहते थे लेकिन शाही परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर क्रोध में आकर दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे देश में प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन की मर्यादाओं के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। विरोध प्रदर्शन देश की जनता को परेशान करके नहीं बल्कि उनके दिल जीत कर करना चाहिए, तभी आपको देश का पूरा समर्थन मिलेगा। नमस्कार।